अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय इनाया कुरैशी। होप यू आर ऑल फाइन गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैरी की लौंजी बनाने का तरीका। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो कैरी। अब कैरी को मैंने अच्छी तरीके से धोकर रखा हुआ है, अब इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले कटिंग करने के लिए मैंने इसके लिए कटिंग बोर्ड लिया है। अब मैं इसके छोटे स्लाइस बनाकर इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी ग्रैंड मदर की सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसके स्लाइस बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसके स्लाइस छोटे पसंद है, इसलिए मैंने छोटी कटिंग की है। इसको गुठली को इसमें से अलग कर देना है और छोटे छोटे से स्लाइस बना लेने। कैरी की कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें नॉर्मल साइज़ के इसके स्लाइस कटिंग कर ली है। पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब ये कैरी जो मैंने कटिंग करके रखी हुई है ये इसमें ऐड कर देनी है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कैरी को इसमें डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया है। बस इसको इतना बॉयल करें कि कैरी सॉफ्ट हो जाए। कैरी बॉयल हो चुकी है, आप लोग इसको 7 से 8 मिनट के लिए भी बॉयल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल डालकर इसको गर्म करने के लिए रख दें। गाइस मैंने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। नाउ एट दिस मोमेंट ऐड 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे जो मैंने कटिंग करके रखी हुई है। अब हरी मिर्चों को ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। ऐड 2 टीस्पून साल्ट। आप लोग इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक साल्ट ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें 2 टीस्पून साल्ट ऐड किया है। ऐड 3 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ऐड 2 टीस्पून हल्दी। अब इसमें ऐड करना है क्रश किया हुआ धनिया। मैंने धनिया की क्वांटिटी 3 टेबलस्पून ली है। ऐड 2 टेबलस्पून सौंफ। अब इसमें ऐड करेंगे मेथी दाने को, इसकी क्वांटिटी 3 टेबलस्पून है। मेथी दाने को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। ऐड 2 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी को भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब इसमें 1 कप पानी का डालकर मसालों को अच्छी तरीके से गलने के लिए रख देंगे। गाइज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 5 मिनट के बाद मसाले अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इस मसाले में कैरी को ऐड करूंगी जो कि मैंने पहले बॉईल करके रख ली थी। गाइस आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ट्राई करके ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि कैसी बनी है। अब कैरी को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। कैरी को मैंने अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे कि इसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। कैरी की लौंजी तैयार हो चुकी है गाइज़, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लोग इस रेसिपी को पसंद करते हैं, हमारे घर में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। गाइज़ अगर आप लोगों के घर में भी ये रेसिपी बनती है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप दिस रेसिपी इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।